हम लोग आरंभ करेंगे बाइबल कवनेंट अध्याय नंबर 1 से। और पहली बात जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो ये है कि वाचा क्या है। स्पिरिट फिल लाइफ बाइबल ये कहती है कि वाचा तो एक हामी, एक सहमति और एक वचन है। यूनानी शब्द में वाचा का अर्थ होता है डायाटिकी, इसका अर्थ होता है अस्थिर होना, वाचा की सहमति या फिर करारनामा। तो साधारणतः दो प्रकार की वाचाओं को हम पाते हैं जब हम वाचा के विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो वाचा आती है दो समानांतर भागीदारों के विषय में, जो कि एक बात को लेकर सहमत होते हैं, या फिर जैविक सहमति जिसे हम लोग कहते हैं, जैसा कि पुरुष का पुरुष से जो कि समानांतर संबंध है, और दूसरा है जैसे कि एक सहमति की जाती है राजा और उसके प्रजा के बीच में, ये एक बाहरी सहमति को जताना है जिसे हम लोग सीधे सहमति बनाना कहते हैं। दूसरे शब्द में राजा और राज्य में हमें पता है कि हम लोग चुनाव नहीं कर सकते, सही है, और राजा जो कहता है वही होता है। तो यीशु मसीह राज्य का राजा है, ये परमेश्वर की हमारे साथ में वाचा है, हमारी नहीं है। अंततः ये ना तो हमारी योजना ना तो हमारी सोच है, ये तो हमारी सोच है, लेकिन परमेश्वर जो हमारे विषय में सोच रखता है, तो ये एक लंबी वाचा की सहमति है। तो ये जो वाचा है मनुष्य और परमेश्वर के बीच की वाचा जो है वो लंबी होती है। अब बाइबल जो है वो वाचाओं की पुस्तक है। आप में से कितने लोग वचन के लिए धन्यवादी है? मैं यहाँ पर भजन संहिता 79 उसके 34वें वचन का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। बाइबल कवनेंट के हमारे मूलभूत शिक्षाओं के रूप में जो ये कहता है कि मैं अपनी वाचा को नहीं तोड़ूंगा और जो कुछ भी मेरे मुंह से निकल चुका है उस बात को मैं नहीं बदलूंगा। बहुत सारे लोग जब वाचा को देखते हैं, फिर वो वाचा को, किसी के शब्द को, जब वो किसी को कुछ करता हुआ देखते हैं, एक मनुष्य था जो हमेशा अपनी बातों को बदल देता था। बहुत सारे सालों के पहले जब लोग करोड़ों का व्यवसाय करना चाहते, लेकिन तभी करना चाहते जब करोड़ों दिखने पाए हाथ मिलाने पर, और वे अपने शब्दों पर बने रहते हैं क्योंकि उनके शब्द ही उनकी वाचा है। कुछ सालों पहले मैंने तो चर्च की संपत्ति लिस्ट पर देने वाले थे, मैं इंतजार में था। वो कोई बहुत बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मुझे 35 पन्नों का एक करार पत्र दिया ताकि मैं इस बात को देखूं। तो मैंने उसे लिया और अपने अटोर्नी दोस्त के पास गया जिसने इसको हमारे लिए मुफ्त में किया था। तो उसने उसे देखा और कई सारी गलती और वगैरह वगैरह बातों को बताया। उसने कहा कि इसमें दिलचस्प बात यह है, ओक्लाहोमा के राज्य में आप इसी बात को 7 या 8 पन्ने में खत्म कर सकते हैं। और पूरे देश भर में उसका रियल एस्टेट का व्यवसाय था। और उसने कहा कि शिकागो में इसके लिए 65 पन्ने लगते हैं। तो आप जान सकते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके उसमें कितने रेड टेप है। लेकिन आज जो चुनौती है लंबी सहमति, ये तो 65 पन्नों की मोटी किताब है, लेकिन फिर भी वो जितना हो सके उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ना ही वो अपने शब्दों का पालन करते हैं ना ही अपने शब्दों को रखते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये होता था, किसी ने तो उनके हाथों को मिलाकर ये कहा कि यही तो हम लोग करने वाले हैं, हम अपने शब्दों का पालन करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग इसी प्रकार के समाज में रहते हैं। और हमारे लिए तो ये तो समझना कठिन है कि परमेश्वर अपने वचनों का पालन करता है। जो परमेश्वर कोई वचन देता है, परमेश्वर मनुष्य के जैसा नहीं, ऐसा मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ना ही मनुष्य का पुत्र की क्षमा मांगे, जो उसने कहा वो करेगा। और जब वचन निकल आते हैं परमेश्वर के मुंह से, वो शब्द अनंत काल में चले जाते हैं और फलों को उत्पन्न करते हैं। आज हमारे पास में न बदलने वाले परमेश्वर के न बदलने वाले वचन है, और वो ऐसा नहीं कि अचानक से उठ खड़ा हुआ कहा कि मैं गलत दिशा में आ गया। प्रभु का धन्यवाद, और आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, आप प्रभु के वचन को लेके जा सकते हैं बैंक में, आमेन। और वो कहता है कि मैं अपनी वाचा को नहीं तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे मैं ना बदलूंगा। और एक वचन इसके साथ में मेल खाता है, वो है नीति वचन 30:5 इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरता है जो विश्वास करते। परमेश्वर का हर एक वचन शुद्ध है। परमेश्वर अपने वचन को नहीं बदलता है, परमेश्वर अपने मन को नहीं बदलता है। प्रभु ये नहीं कहता एक बार मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, दूसरी बार तुम्हें श्राप दूंगा, एक बार चंगाई दूंगा और अब मैं तुम्हें बीमार करूंगा, सही है। वो ये नहीं कहता है कि मैं एक बार तुम्हें शांति दूंगा, दूसरी बार तुमको मैं अशांति में रखूंगा। वो अपने वचन में बना रहता है। वचन सदा के लिए सत्य है, क्षमा कीजिए। लेकिन नीति वचन 35 ये कहता है कि परमेश्वर का हर एक वचन शुद्ध है, जो उस पर भरोसा रखते हैं वो अपनी शरणागतों की ढाल है। जब हम बाइबल को देखना आरंभ करते हैं, बाइबल जो है मनुष्य के साथ में परमेश्वर की बांधी गई वाचा, ये हमारी कल्पना नहीं लेकिन परमेश्वर की है। ये परमेश्वर की ओर से दिया गया प्रकाशन है मनुष्य के लिए, और ये परमेश्वर की वाचा को प्रकट करता है। जब मैंने वाचा शब्द पर अध्ययन किया, उन्होंने मुझे बाइबल कवनेंट पर सिखाने के लिए कहा, तो मैंने वाचा के हर एक वचन को पढ़ लिया पुराने और नए नियम में से। और जब मैंने बाइबल का अध्ययन किया, ये बात मुझे समझ में आई कि जब आप बाइबल में देखते हैं तो बहुत सारी वाचाएं नहीं है, ये तो एक वाचा है, और उसमें तो पुराना और नया भाग है, और भिन्न पहलू जो परमेश्वर भिन्न लोगों के साथ में संबंध रखता है, ये उस वाचा के भिन्न पहलू को प्रकट करता है।
तो ये बहुतेरे प्रकाशन नहीं है, परंतु ये एक ही प्रकाशन है और अंततः यीशु ही उस वाचा का केंद्र बिंदु है। अगर आप इस बात का अध्ययन करते हैं, यीशु हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। और जब आज हम लोग वचन की ओर देखते हैं, हम लोग इस बात को पाते हैं कि यीशु परमेश्वर के संपूर्ण वाचा का पूर्ण होना है मनुष्य के साथ में। कितने लोग जानते हैं कि यीशु मसीह बाइबल की हर एक किताबों में पाया जाता है? आरंभ से इस बात को देख सकते हैं, उत्पत्ति में सृष्टिकर्ता के रूप में, प्रकाशित वाक्य की किताब तक, जहां पर वो एक ऐसा है जिसके पास में दाऊद की कुंजी है, वगैरह वगैरह। और यीशु मसीह ही परमेश्वर के साथ में मनुष्य की वाचा का पूर्ण होना है। तो यीशु मसीह ही वचन का केंद्र बिंदु है। पुराने नियम की सभी बातें सिर्फ उसके ओर ही संकेत करती है और नए नियम की सारी बातें सिर्फ उसके ओर ही निर्देश करती है। और ये यीशु का मारा जाना, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान है जो प्रभु के साथ में हमारे संबंध को सुरक्षा देता है और हमारे लिए हर एक प्रतिज्ञा को सुरक्षित करता है। और आज हम लोग पुराने नियम से एक वचन को देखने जा रहे हैं, सिर्फ इसी बात का उदाहरण देने के लिए कि वाचा में क्या है और किस प्रकार वाचा टिकती है और ये कैसे कार्य करती है। हम लोग देखेंगे यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय और हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे वचन 14 से अध्याय के बिल्कुल अंत तक, जो कि है वचन 26। यहोवा की यह वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इसराइल और यहूदा के घराने के विषय में कहा है उसे पूरा करूंगा। और जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं, आप इस बात को देख पाएंगे कि परमेश्वर ज्यादातर इसराइल के साथ में अपनी वाचा के विषय में बोलता है और यहूदा और बाकी लोगों के साथ में भी। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो वाचा परमेश्वर ने इसराइल के साथ में बांधी थी और जो यहूदा के साथ में बांधी थी, वो वाचा अब अस्तित्व में नहीं, वो खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैं व्यक्तिगत रूप में उस बात के साथ में सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर परमेश्वर अपने वचन को देता है, हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने वचन को रखता है, तो अगर परमेश्वर अपना वचन इसराइल और यहूदा के साथ में नहीं रखता है तो वो अपना वचन हमारे साथ क्यों रखेगा? तो वाचा का ये एक ही पहलू है जो हम लोग देखा करते हैं, परमेश्वर की जो इसराइल और यहूदा के साथ में वाचा है। फिर आगे वचन 15 में ये कहता है, उन दिनों में और उन समयों में दाऊद के वंश में मैं धर्म की एक डाल को, हाँ डाल को मैं लगाऊंगा और वो उस देश में न्याय और धर्म के काम को वो पूरा करेगा। तो वाचा का जो दूसरा पहलू हम लोग देखने वाले है, परमेश्वर की दाऊद के साथ जो वाचा थी। कितने लोगों को ये बात पता है कि यीशु ही दाऊद का बीज है और यीशु ही है जिसने परमेश्वर की वाचा को दाऊद के साथ में पूरा किया। परमेश्वर का मनुष्य के साथ में जो वाचा है उसका सिर्फ एक पहलू है जो उसने दाऊद को प्रकट किया था। और वचन 16 यह कहता है, उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा और उसका नाम यह नाम रखा जाएगा, यहोवा हमारी धार्मिकता है। दाऊद की डाल कौन है और हमारी धार्मिकता कौन है? यीशु। और ये यीशु के आने के विषय में भविष्यवाणी है। और वचन 17 इस प्रकार से कहता है, यहोवा यो कहता है, दाऊद के कुल में इसराइल के घराने की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे। आज हम इस वचन की ओर देखेंगे कैसे परमेश्वर ने दाऊद से बात की और उसे वाचा बांधी। और फिर 18 वचन में वो कहता है, लेवी याचकों के कुलों में प्रतिदिन मेरे लिए होम बलि चढ़ाने वाले और अन्न बलि जलाने वाले और मेल बलि चढ़ाने वाले वे लोग सदैव बने रहेंगे। फिर यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा यो कहता है, मैंने दिन और रात के विषय में जो वाचा बांधी है, जब तुम उसको ऐसा तोड़ सको कि दिन और रात अपने अपने समय में बिल्कुल ना हो, तब ही जो वाचा मैंने अपने दास दाऊद के संग बांधी है टूट सकेगी, कि तेरे वंश की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे और मेरी वाचा मेरी सेवा टल करने वाले लेवी याचकों के साथ बंधी रहेंगी। वचन 20 में यह परमेश्वर का दिन और रात के साथ में वाचा के विषय में बात कर रहा है। हम इसे कह सकते हैं परमेश्वर की पृथ्वी के साथ में वाचा। तो ये सारी भिन्न बातें जो हम लोग देखते हैं, परमेश्वर की इसराइल के साथ में और यहूदा के साथ में वाचा, दाऊद के साथ की वाचा, पृथ्वी के साथ में वाचा और दिन रात के साथ में वाचा, ये परमेश्वर के मनुष्य के साथ के वाचा के वे भिन्न भिन्न पहलू है। वो ये कहता है वचन 20 में कि अगर तुम मेरी वाचा को तोड़ सको, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परमेश्वर कहता है, मैं ही हूँ जो वाचा को बनाता हूँ, मैं ही हूँ जो वाचा को पूरा करता हूँ और तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि इसे तोड़ दो। मुझे अभी भी याद है कि बहुत सालों पहले बड़े पेंटिकॉस्टल अधिकारियों का पतन हुआ था और उस समय में मैं बाइबल स्कूल में था और 1998 के फरवरी में मैं वहां से बाहर निकल आया। अब नवंबर 1987 में डॉक्टर लेस्टर समरॉल ने यह भविष्यवाणी की थी कि उन्होंने कहा कि 1988 में जो ऊंचे पद वाले हैं वो नीचे पद पर आएंगे और नीचे वाले ऊपरी पद पर चले जाएंगे और ये बात सिर्फ कलीसिया में नहीं लेकिन सरकार में भी होगी। और फिर हमने इस बात को देखा और परखा कि ये सब बातें पूर्ण हुई। उन्होंने और भी बातों को बोला था। उन्होंने कहा था कि लोहे की दीवारें ढा दी जाएगी। और जब उन्होंने इस बात को कहा, इसराइल काफी लंबे समय से साम्यवाद में रहा था और ये मानो ऐसा लग रहा था कि यह संसार की सबसे आखिरी बात होने वाली है। और हमने सच में इस बात को कुछ ही महीनों के बाद में होता हुआ देखा। और जब उन्होंने इस बात को बोला था, वो 3,000 लोगों की कलीसिया थी। ये ऐसा था मानो उन पर बर्फ का पानी डाल दिया।
यह अचंभित करने वाली बात थी। यह ऐसा था मानो जो वो बोल रहे उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी हमने होता हुआ देखा। लेकिन मुझे याद है जब ये पेंटिकॉस्टल अगवे का पतन हुआ था, मेरे पास्टर जो थे वो तो अगवे थे पेंटिकॉस्टल फिरकों के, उनको किसी एक व्यक्ति ने कॉल किया और कहा हम लोग क्या करेंगे अभी, हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये अगवे उस फिरके का पतन हुआ था। और मेरे पास्टर ने कहा क्या तुमने बाहर देखा, और एक व्यक्ति ने कहा हाँ, और उसने कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं बाहर देखूं। उसने कहा कि सूरज अभी भी चमक रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परमेश्वर ने पृथ्वी के साथ में वाचा बांधी, परमेश्वर ने दिन और रात के साथ वाचा बांधी, और परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरे वाचा को तोड़ सकते, आपने अजीब बातों को किया होगा, लेकिन कितनों को बताया कि सूरज अभी भी चमक रहा है, पृथ्वी अभी भी घूमती है। प्रभु की स्तुति हो, और परमेश्वर की वाचा अभी भी आगे बढ़ती जा रही है। तो वो क्या कहता है कि तुम इतने बड़े नहीं हो कि तुम मेरी वाचा को तोड़ दो, मेरी वाचा तुम पर निर्भर नहीं है, न ही तुम्हारे प्रदर्शन पर, और न ही तुम्हारी भलाई पर, और न ही तुम्हारे कार्यों पर आधारित है। मेरी वाचा यीशु के ऊपर में आधारित है, और जो उसने आपके लिए किया उसके आधार पर, मेरी वाचा मेरे शब्दों के आधार पर है जो आपके लिए है। और मैंने ये कहा है कि मैं अपने भले शब्दों का तुम पर प्रदर्शन करूंगा। और जब परमेश्वर ने कहा कि अपने शब्दों को पूरा करेगा, हमें इस बात का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं, वही एकमात्र है जो इस बात का प्रदर्शन करेगा। तो जब हम इसे देखते हैं और इस बात में से गुजरते हैं, वो कहता है कि अगर तुम मेरी वाचा को दिन और रात में तोड़ सको, फिर उस समय में ना तो कोई दिन और ना कोई रात होगा, और जो वाचा मैंने मेरे सेवक दाऊद के साथ में बांधी थी वो भी तोड़ दी जाएगी। अगर तुम मेरे वाचा के सिर्फ एक पहलू को तोड़ सकते हो, तो मेरी वाचा के दूसरे पहलू को भी तोड़ सकते हो। परंतु हालांकि मेरी वाचा ना तो तुम पर और ना ही तुम्हारे प्रदर्शन पर आधारित है, और ना ही तुम इतने बड़े हो कि इसे तोड़ सको, मैं ही अपने वाचा का प्रदर्शन करूंगा। अगर मैं अपने वचन को देता हूँ तो मेरे वचन भले है, मेरे वचन अनंत काल के लिए भले है, मेरे वचन भले है जब तक कि ये पृथ्वी बनी रहेगी, बीज का समय और फसल का समय और ठंड और गर्मी और ग्रीष्म काल और ठंड इस बात को रोक नहीं पाएगी। ये वो वचन है जो परमेश्वर ने बनाई पृथ्वी के साथ में, उत्पत्ति 8वें अध्याय उसके 22वें वचन में, जब नूह उस जहाज के बाहर निकला, और वो वचन अभी भी सही है। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर के वचन अभी भी भले बने हुए। ऐसे बहुत तेरे बार गुजर चुके हैं उस समय से लेकर जब परमेश्वर अपने वचन को देता है। परमेश्वर के वचन अनंत काल में जाते हैं, और परमेश्वर के वचन फलों को उत्पन्न करते हैं। तो फिर वो आगे इस प्रकार से कहता है, वो कहता है अगर दिन रात की वाचा को तुम तोड़ सकते हो, तो दाऊद की वाचा को भी तोड़ा जा सकता है। तेरा वंश बना रहेगा, और मेरी वाचा मेरी सेवा टहल करने वाले लेवीय याजकों के साथ में बंधी रहेगी। जैसे आकाश की सेना की गिनती और समुद्र के बालू के किनकों का परिणाम नहीं हो सकता, उसी प्रकार मैं अपने दास दाऊद के वंश और अपने सेवक लेवियों को बढ़ाकर अनगिनत कर दूंगा। लेकिन फिर भी यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास में पहुंचा, क्या तूने नहीं देखा कि ये लोग क्या कहते हैं, जो दो कुल यहोवा ने चुन लिए थे उन दोनों में से उसने हाथ उठाया है, यह कहकर कि मेरी प्रजा को तुच्छ जानते हैं, और यह कि जाति उनकी दृष्टि में गिर गई है। यहोवा यो कहता, यदि दिन और रात के विषय में मेरी वाचा अटल न रहे, और यदि आकाश और पृथ्वी के नियम मेरे ठहराए हुए न रह जाए, तब ही मैं याकूब के वंश से हाथ उठाऊंगा, और अब्राहम इसहाक और याकूब के वंश पर प्रभुता करने के लिए अपने दास दाऊद के वंश में से फिर से किसी को न ठहराऊंगा। परंतु इसके विपरीत में उन पर दया करके उनको बंधुआई से लौटा लाऊंगा। तो परमेश्वर क्या कहता है, अगर तुम उसके वाचा का सिर्फ एक पहलू ही तोड़ दोगे, अगर तुम उसके वाचा का सिर्फ एक ही पहलू असफल करोगे, तो उसके वाचा के बाकी सारे पहलू असफल हो जाएंगे। तो वास्तविकता यह है, तुम्हें परमेश्वर के वाचा के किसी भी पहलू को असफल नहीं करना है। और अगर परमेश्वर अपने वचन को देता है, उसके वचन अनंत काल के लिए भले है, तो अगर परमेश्वर ने कुछ कहा, आप इस बात को ले सकते हैं, आप इसे रख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। और ये मनुष्य के शब्द नहीं जो आते हैं चले जाते हैं जो बदलते रहते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर अपने वचन को देता है, और वो अपने वचनों से कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं बदलता है। और जब हमने इस बात को पढ़ा, हमने इस बात को देखा कि धार्मिकता की डाल कौन है, वो फिर से है यीशु। हमारी धार्मिकता का प्रभु कौन है, यीशु ही। परमेश्वर की मनुष्य के साथ में की गई पूर्ण वाचा का अंत कौन है, यीशु। वही एकमात्र बात है जो सामने लेकर आना चाहता हूँ जब हम अपनी शिक्षा में आगे बढ़ते हैं, बाइबल कवनेंट की या बाइबल की वाचा की। यीशु ही एकमात्र है जिसने परमेश्वर की वाचा को पूरा किया है, और हमारा मसीह में जो परमेश्वर के साथ का संबंध है सुरक्षित करता है परमेश्वर की जो वाचा हमारे लिए। जब इस बात को हम लोग समझना शुरू करते हैं, तब हम देख सकते हैं परमेश्वर की वाचा की प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में पूरा होते हुए। तो पहली बात हमने देखा कि परमेश्वर की वाचा इसराइल और यहूदा के घराने से है। परमेश्वर ने इसराइल के साथ में वाचा बांधी है, बहुत तेरी बातें पूर्ण हो चुकी है और अन्य बातें पूर्ण होने पर है। और हम इस बात को देखें, मेरे साथ निकाले यशाया अध्याय 61, ये तो परमेश्वर की वाचा है इसराइल के घराने के साथ। यशाया 61 और उसका पहला वचन, और हम यहाँ पर कुछ वचनों को देखने वाले हैं। ये कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को मैं शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार कर सकूं,
कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार कर सकूं। यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जो इस वचन से बिल्कुल परिचित है? किसने इन वचनों को प्रसिद्ध किया? यीशु। जब यीशु ने अपनी सांसारिक सेवकाई को शुरू किया, लूका 4 अध्याय और उसके 18 वचन में जब वो मंदिर में गया, हालांकि उसका पालन पोषण नाजरत में हुआ था, उन्होंने उसे यशाह की इस पत्री को पढ़ने के लिए दिया और उसे ये भाग मिला और उसने इस वचन को पढ़ा। यशाह 61 का वह पहला वचन जो हम लोग बिल्कुल समझते हैं और उसका पहला भाग दूसरे वचन का, परंतु वह रुकता है दूसरे वचन के बिल्कुल मध्य में। और उसके रुकने के पश्चात वहां ऐसा लिखा है कि जितने लोग मंदिर में उपस्थित थे उनकी आंखें उस पर गड़ गई और फिर वो कहता है कि आज के दिन यही वो वचन है जो आपके वर्ष में पूरा हुआ है। अधिकतर लोग इस बात की चिंता नहीं करते कि परमेश्वर उनके परदादा के साथ क्या किया था, और अधिकतर लोग इस बात की चिंता भी नहीं करते हैं कि परमेश्वर आपके पोते या आपकी पोती के साथ में क्या करने वाला है। अधिकतर लोगों को आज के परमेश्वर के विषय में बोली जाने वाली बातों में उत्सुकता होती है। बाइबल ये कहती है कि अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंधे की बातों का वो प्रमाण होता है। विश्वास में कार्य करने के लिए आपको कार्य करना होगा आज के वर्तमान स्थिति में। इसीलिए कोई इस बात में दिलचस्पी नहीं रखता जब अपने दादा या अपने पोते के जमाने के जागृति के विषय में बातें करते हैं, लेकिन लोग उत्साहित हो जाते हैं जब आप बात करने लगते हैं परमेश्वर आज का परमेश्वर है और आज ही आपके चमत्कार का दिन है, आज ही ग्रहण योग्य समय है, आप आज ही चंगे हो सकते हो, आज ही आप संपन्न हो सकते हो, आज ही आप शांति पा सकते हो, आज ही आप छुटकारा पा सकते हो। प्रभु का धन्यवाद हो कि आपको अनंत काल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा इसका आनंद उठाने के लिए। जानते हैं आपको 1 सप्ताह का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप परमेश्वर के आशीषों का आनंद अभी इसी वक्त उठा सकते हो, अभी के जीवन में ही। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु के साथ में हमारी वाचा के विषय में प्रभु का धन्यवाद उन प्रतिज्ञाओं के लिए जो हमने पाई है प्रभु में। तो जब हम इस बात को देखते हैं, यीशु ने इस बात को कहा कि आज ही वचन आपके जीवन में पूरा हुआ है, और जब उसने इस बात को कहा, कुछ धार्मिक लोगों का झुंड उस पर क्रोधित हुआ और कहने लगे, ये वही बच्चा नहीं जो हमारे बच्चों के साथ में खेलता था? क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? क्या वो उस बढ़ई का बेटा नहीं? वो अपने आप को क्या समझता है? तुम कौन हो? निश्चित तौर से हम लोग कहेंगे कि यीशु तो चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो हम कहेंगे अपने आप को चंगा करो। लेकिन फिर उनको कुछ उदाहरणों को देता है और उनसे कहता है कि सीरिया के उस समय में इतने कोढ़ी नहीं थे जो इसराइल में आए और फिर वो चंगे हुए, और उसने कहा क्या उस समय विधवाएं नहीं थी एलिशा और एलिया के समय में? लेकिन सिर्फ एक ही विधवा के पास में एलिशा गया। वो यही कह रहा था कि इसमें विश्वास की आवश्यकता होती है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में कार्य करने के लिए, प्रभु जो कर रहा है उसको विश्वास से प्राप्त करना। और जबकि तुम विश्वास में कार्य नहीं करते, आप उस बात को चूक जाओगे जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। यहाँ पर यीशु यशायाह 61 में से जिन बातों को बोल रहा था वो तो एक गवाही थी उसके सांसारिक सेवकाई को आरंभ करने के विषय में थी जब वो पृथ्वी पर आया, और इसी कारण वो वचन 2 के बिल्कुल मध्य में ही रुक गया था, क्योंकि इसी बात को करने के लिए वो आया था। वो खेदित मन वालों को प्रचार करने के लिए आया था, वो तो आया था टूटे हुए हृदय को जोड़ने के लिए और बंदियों को छुड़ाने के लिए और जो लोग कैद में थे उनको छुड़ाने के लिए, और आया था कि इस बात की वो घोषणा करे परमेश्वर के प्रसन्न रहने के और परमेश्वर के अनुग्रह के दिन के विषय। आप में से कितने लोग आज खुश है कि यीशु ने अनुग्रह के दिन का प्रचार किया और हम लोग इसे पाते हैं? यीशु मसीह के द्वारा हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। जब हम इन वचनों को देखते हैं वचन 2 के दूसरे भाग में, यहाँ पर वचन इस प्रकार से कहता है कि यीशु फिर से जब लौट कर आएगा तो वो क्या करने वाला है। ये इस प्रकार से कहता है कि हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वाले को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वाले के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी को मैं बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाओ, जिसे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तब वे बहुत काल के उजड़े स्थान को फिर बसाएंगे और खंडोर में फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए वे फिर नए सिरे से बनाएंगे। परदेशी आ खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे और विदेशी लोग तुम्हारे हल चलाने वाले दाग के बारे में माली होंगे, पर तुम तो यहोवा की याजक कहलाओगे और वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम जाति जाति के धन संपत्तियों को खाओगे, उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे। तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, इसलिए तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे और तुम सदा आनंदित बने रहोगे। यह परमेश्वर की वाचा है इसराइल के घराने के साथ में, और उसका यह पहला पहलू पूरा हुआ जब यीशु एक मेमने के रूप में आए। संसार का उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह की घोषणा करता है। वो आए थे बचाने के लिए, चंगाई देने के लिए और छुटकारा देने के लिए। वो आए थे परमेश्वर के अनुग्रह के दिन की घोषणा करने के लिए।
परंतु जब यीशु लौट कर आएंगे, बाइबल उस समय के विषय में बात करती है जब संसार के सारे राष्ट्र आ जाएंगे इसराइल के विरुद्ध में और यीशु स्वर्ग में से आएंगे। जकरिया ने इसके विषय में भविष्यवाणी की है और वो आएगा अपने 10,000 संतों के साथ में और वचन हमें बताता है कि वो न्याय करने और युद्ध कराने के लिए आने वाला है और इस विषय भविष्यवाणी की गई है प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय में। और ये कहता है कि यीशु एक श्वेत घोड़े पर सवार होकर आएगा और उसके मुंह में से 2 धारी तेज तलवारें बाहर निकलेगी जिसके द्वारा वो राष्ट्रों का नाश करेगा। यहाँ पर यह बताता है कि यीशु न्यायकर्ता के रूप में आने वाला है। तो जब यीशु आए, पहली बार यीशु इस संसार के उद्धारक के रूप में आए, हमारे पापों से हमें बचाने के लिए आए, परमेश्वर का वो मेमना बनकर आए थे। परंतु जब वो दोबारा लौट कर आएंगे, वो लौट कर आने वाले हैं यहूदा के घराने के सिंह के रूप में और वो आने वाला है अपने लोगों को उसके सताने वालों के चंगुल से छुड़ाने के लिए। तो परमेश्वर ने इस वाचा को इज़राइल के साथ में बांधा। इसमें का तो एक पहलू पहले से पूरा हो चुका है। यीशु मसीह पहले से मेमने के रूप में आ चुके हैं। यीशु ने आकर पहले ही उस वाचा को पूरा कर दिया है, हमारे पापों और हमारी बीमारी को उठा लिया, लज्जा को उठा लिया। यीशु ने तो आकर हमारे दंड को उठा लिया उस क्रूस पर। तो वो जो पहलू उसने बोला है लूका 14 अध्याय उसके 18 और 19वें वचन में पहले से पूरा हो चुका है, लेकिन वचन का दूसरा भाग अभी तक वास्तविक रूप में अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके कुछ अंश के विषय में हम लोग बात करते हैं जो पाया जाता है वचन 3 में, जब वो कहता है सियोन के विलाप करने वाले के सिर पर किराग दूर करके सुंदर पगड़ी बांधो कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाओ जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। जब आप वचन में सियोन को देखते हैं, सियोन वास्तविक रूप में एक स्थान है जो कि यरूशलेम में पाया जाता है। तो वास्तविक रूप में यह यरूशलेम राष्ट्र के विषय में कहा गया, लेकिन फिर भी भविष्यवाणी में कई बार एक से बढ़कर ज्यादा अर्थ होते हैं, इसमें दोहरा अर्थ हो सकता है। तो वास्तविक रूप में ये यरूशलेम के पुनर्स्थापना के विषय में बोल रहा है उन अंतिम दिनों में, परंतु असल में देखा जाए तो सियोन कलीसिया के विषय में बताता है क्योंकि ये कलीसिया ही थी जिसमें परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उंडेला था। ये सियोन ही था जहाँ पर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उंडेला, वहीं पर कलीसिया उत्पन्न हुई। तो जब आप मसीह को ग्रहण करते हो और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हो तो इसका अर्थ है कि हम लोग हिस्सा बन जाते हैं कलीसिया का, मसीही की देह। और ये प्रतिज्ञाएं जो सियोन की है वास्तविक रूप में हमारी बनती है, लेकिन फिर भी ये वचन के वास्तविक अर्थ को अनदेखा नहीं करता है कि परमेश्वर अंत के दिनों में इज़राइल राष्ट्र को पुनर्स्थापित करेगा। अब हम भिन्न वचनों को देख सकते हैं जो इन्हीं बातों को प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए मेरे साथ निकले रोमियो, बाद में हम लोग रोमियो की किताब को सीखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस समय निकले रोमियो अध्याय 9 और रोमियो अध्याय 9 में 10 और 11 में वचन यहाँ पर इसराइलियों और अन्य जातियों के परमेश्वर की योजना के विषय में बताता है। और रोमियो 9वें अध्याय में पौलुस यहाँ पर बोल रहा है और ध्यान दे कि वो वचन 3 में क्या कहता है। वो कहता है कि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है, वो इसराइल के विषय में बात कर रहा है, स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता है। वे इसराइली है और लेपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं के हैं और पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो, आमेन। तो वह परमेश्वर की योजना के विषय में बोलता है, सिर्फ हमारे लिए नहीं जो अन्य जाति है, लेकिन परमेश्वर की योजना के विषय बोलता है जो यहूदी है। दरअसल रोमियो पहले अध्याय में वो इस बात के द्वारा आरंभ करता है कि सुसमाचार धार्मिकता का एक प्रकाशन है और फिर उसके बिल्कुल अंत तक, जहाँ पर रोमियो पहला अध्याय उसके 18 वचन से लेकिन अंत तक वो इस बात को कहता है कि अन्य जातियों को धार्मिकता की आवश्यकता है, लेकिन फिर रोमियो दूसरे अध्याय में वो कहता है कि यहूदियों को धार्मिकता की आवश्यकता है और फिर तीसरे अध्याय में कहता है कि हर किसी को धार्मिकता की आवश्यकता है। तो रोमियो 19वें अध्याय के 11वें वचन में वो परमेश्वर की धार्मिकता की योजना के विषय में बोलता है, पहले यहूदी और फिर अन्य जातियों के लिए। वो इस बात को कहता है कि मेरी इच्छा है कि मैं एक श्राप बन जाऊं ताकि वे उद्धार को पाए, लेकिन फिर भी संपूर्ण इसराइल राष्ट्र ने यीशु मसीह को नकार दिया। इसके लिए और एक उदाहरण निकालिए, अध्याय 10 वचन 1 देखिए वहाँ पर क्या कहता है। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और इसराइल के लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके अपने आप को वो समर्पित नहीं करते हैं परमेश्वर की धार्मिकता के प्रति। धर्म के साथ में यही समस्या है, यही समस्या इसराइल के साथ में भी थी और यही बात। तो अपनी ही धार्मिकता को स्थापित करने की कोशिश करते हैं अपने आधार पर और व्यवस्था के कार्यों के द्वारा, और वे मसीह यीशु पर विश्वास नहीं किए और इसी कारण वे लोग समर्पित नहीं कर पाए परमेश्वर की धार्मिकता के प्रति, जो कि वरदान है जो मसीह में हमें दिया गया है। लेकिन फिर भी अन्य जातियों ने मसीह यीशु पर विश्वास किया, उस पर भरोसा किया और इसी कारण उन्होंने परमेश्वर की धार्मिकता को भी पाया। तो इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने यहूदियों को छोड़ दिया। निकाले रोमियो 11वां अध्याय
और इसी बात के विषय में यहाँ पर बात कर रहा है रोमियो 11वें अध्याय में, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस बात को नए नियम में। उसने इस प्रश्न को पूछा, पौलुस ने जिस प्रश्न को पूछा मैं उसी प्रश्न को पूछता हूँ, रोमियो 11वां अध्याय उसका पहला वचन। इसलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं, मैं भी तो इसराइली हूँ, अब्राहम के वंश और बिन्यामिन के गोत्र में से मैं हूँ। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले से ही जाना है। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है कि वह इसराइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है? तो वह आगे बढ़ता है और इसी के विषय में बात करता है, प्रभु की यहूदी और अन्य जातियों के लिए योजना। उसके पश्चात में इस बात को बोलता है वचन 25 रोमियो 11 के, और परमेश्वर जिन बातों को करने वाला है उन बातों को प्रकट करता है। रोमियो 11वां अध्याय उसका वचन 25, वो ये कहता है, हे भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैंने चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले तब तक इसराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। वचन 26 इस प्रकार से कहता है, और इसी रीति से सारा इसराइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला यानी यीशु सियोन से आएगा और अभक्ति को और फिर अभक्ति को वो याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ में मेरी यह वाचा होगी जबकि मैं उनके पापों को दूर करूंगा। एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में यीशु इसराइल में आए। बाइबल हमें योहन्ना पहला अध्याय उसके 11वें वचन में बताता है कि वो अपने घर में आया और उसके घर वालों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वचन 12 ये कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। अगर देखा जाए तो इसराइल ने यीशु को नकार दिया, लेकिन यह परमेश्वर के मन और उसकी योजना में शामिल था। क्योंकि उन्होंने उसे नकार दिया तो उसके पश्चात अन्य जातियों को उसमें जोड़ा गया। इसी के विषय में वो रोमियो 11वें अध्याय में बात करता है और वो कहता है कि ये परमेश्वर की बुद्धि है। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए तो पहली बार उन्होंने अपने चेलों से कहा, तुम सामरियों के किसी भी नगर में मत जाओ, तुम इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी के भी पास मत जाओ, क्योंकि इसी बात के लिए तो मैं बुलाया गया हूँ। दरअसल वहाँ पर कुछ अन्य जाति लोग थे जो उसे ग्रहण करने के लिए आए थे, और वो कहता है कि आज तुम्हारे लिए नहीं भेजा गया, मैं तो इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के लिए बुलाया गया हूँ। लेकिन उन्होंने विश्वास के द्वारा उसके अनुग्रह पर जोर डाला और उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को प्राप्त किया। पुराने नियम में ऐसे कुछ अन्य जाति थे जिनको परमेश्वर ने अपनी वाचा के द्वारा ग्रहण किया था, और वे लोग यीशु के वंशावली में जोड़ दिए गए, और रूत उसमें से एक नाम था, और उसमें से रहाब एक नाम था, एक वेश्या। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसराइल के परमेश्वर पर विश्वास किया, उन्होंने उस छुड़ाने वाले पर जो कि आने वाला उस पर विश्वास किया, और इसी कारणवश उनका नाम यीशु की वंशावली में जोड़ दिया गया। तो विश्वास के इन जनों के लिए प्रभु का हम लोग धन्यवाद देते हैं, क्योंकि विश्वास आपको आपके स्थान पर ले जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो यीशु मसीह पहली बार इस पृथ्वी पर आए तो वो अन्य जातियों के लिए नहीं आए थे, वह यहूदियों के लिए आए। लेकिन उसके साथ क्या किया? उसको क्रूस पर लटका दिया और उसको नकार दिया। और जब वो मुर्दों में से जी उठे तो उन्होंने क्या कहा? पूरे संसार में जाओ और हरेक प्राणियों को तुम सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले वो उद्धार को पाएगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो नाश होगा, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से वे दुष्टात्मा को निकालेंगे, वे नई नई भाषा को बोलेंगे, अगर हानिकारक वस्तु भी पी जाए तो उनकी कुछ हानि न होगी, वे सांपों को उठा लेंगे, वे बीमारों के ऊपर में हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह ने कभी भी इस बात को नहीं कहा कि तुम संसार भर में जाओ और हरेक प्राणी को सुसमाचार सुनाओ। उसने कभी नहीं कहा कि हरेक राष्ट्र में जाओ जब तक कि वो मुर्दों में से नहीं जी उठा। यह इसलिए क्योंकि इसराइल यहूदियों ने उसे नकार दिया था ताकि अन्य जातियों को उसमें जोड़ दिया जा सके। लेकिन अंतिम दिनों में परमेश्वर इसराइल को बचाएगा। वो इस बात को कैसे करेगा? उनको यीशु पर विश्वास करना होगा, जैसे कि मैंने और आपने यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उद्धार पाने का सिर्फ एक ही मार्ग है। एक ही व्यक्ति है जो आपको उद्धार दिला सकता है, और एक ही व्यक्ति था जो कि परमेश्वर होने के बावजूद भी मनुष्य रूप धारण किया, जिसने सच में परमेश्वर का जो बीज है वो मरियम के कोख में गया, और फिर जब यीशु का जन्म हुआ तो उसका जन्म कुंवारी से हुआ। बच्चे के शरीर के अंदर का जो खून होता है वो स्त्री से नहीं लेकिन पुरुष के उस बीज से आता है, और यीशु का लहू कभी भी मनुष्य जाति के पापों के साथ में संपर्क में नहीं आया था। और उद्धारकर्ता सिर्फ एक ही है, और आपको बचाने वाला भी सिर्फ एक ही मनुष्य जो आपको बचा सकता है, और सिर्फ एक ही मार्ग है उद्धार का, और वो है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। जब हम इस वचन को देखते हैं जकरिया में, मैं आपको इसका उदाहरण दिखाना चाहता हूँ। जकरिया ने इसके विषय में भविष्यवाणी भी की थी बहुत सालों पहले, जकरिया 12वां अध्याय और उसके 10वें वचन में हम देखेंगे। और ये तो थी परमेश्वर के वाचा का उदाहरण है जो उसने इसराइल और यहूदा के घराने के साथ बांधी थी, और कैसे परमेश्वर इस वाचा को पूरा करता है यीशु के द्वारा। वो कहता है जकरिया 12 उसके 10वें वचन में, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अनुग्रह करने वाली प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एक लौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा एक भारी शोक करेंगे कि जैसा कि पहलौटे के लिए किया करते हैं। वो कौन था जिसे उन्होंने भेदा? वो यीशु की ओर देखेंगे जिसे उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया।
इसी के विषय में वह बात करता है कि मैं उन पर अनुग्रह की आत्मा उंडे लूंगा। प्रार्थना निवेदन में अध्याय 13 उसका वचन 1 कहता है, उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं इस देश में से उन मूर्तों के नाम को हटा डालूंगा वगैरह वगैरह। वह सोता कौन सा है जो कि खोला जाएगा इसराइल और यहूदा के घराने के लिए? ये तो यीशु का लहू है। हम लोग चर्च में इस गीत को गाते थे। There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, and sinners plunge beneath that flood, lose all their guilty stains. यीशु के लहू के लिए प्रभु का धन्यवाद। ये तो यीशु का लहू है जो इज़राइल को बचाता है, और ये यीशु का लहू ही है जो अन्य जातियों को बचाता है, और ये यीशु का लहू ही है और जिस रीति से परमेश्वर अपनी वाचा को पूरी करने वाला है इज़राइल और यहूदा के घराने के साथ में, जिस रीति से उसने पहले भी पूरा किया था और भविष्य में भी इस बात को पूरा करेगा, वह है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। तो यीशु ही परमेश्वर की वाचा को पूर्ण करने वाला है। यीशु परमेश्वर की वाचा को इज़राइल और यहूदा के घराने के साथ में पूरा करने वाला है। यीशु ही परमेश्वर की वाचा को पूरा करने वाला है दाऊद के घराने के साथ में। फिर से निकले यिर्मयाह 33वां अध्याय और देखेंगे कि कहा थे। हम देखेंगे यिर्मयाह 33वें अध्याय में और वचन 17 में। यिर्मयाह 33वां अध्याय और वचन 17, ध्यान दीजिए। ये कहता है, यहोवा यह कहता है कि दाऊद के कुल में इसराइल के घराने की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे। इसराइल के घराने की गद्दी पर परमेश्वर ने इस वाचा को दाऊद के साथ में दूसरा सैमुएल 7वां अध्याय उसके 16 वचन में बांधी थी। उसने कहा कि तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा। दाऊद मंदिर को बनाना चाहता था, आपको कहानी याद है, और वो नतनेल नबी के पास जाता है। नतनेल नबी कहता है, जो कुछ भी तुम्हारे हृदय में उसे करो। दाऊद तो द्वार तक भी नहीं जा पाया और परमेश्वर ने नतनेल से इस बात को कहा कि दाऊद वो व्यक्ति नहीं जो मंदिर को बनाएगा, तो तुम जाकर दाऊद को इस बात को बताना कि वो मंदिर नहीं बनाएगा, लेकिन उसके वंश का बीज हमेशा इसराइल के राजगद्दी पर विराजमान रहेगा। तो नतनेल जाकर इस बात को दाऊद को बताता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि दाऊद इस बात से नाराज नहीं होता, ना ही वो क्रोधित होता, ना ही भविष्यवक्ता से नाराज होकर कहता कि मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा। आज परमेश्वर लोगों को विशेष प्रकार की सेवकाई में बुलाता है। आज परमेश्वर लोगों को परमेश्वर की देह में बुलाता है। कई बार लोग क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि उनको मन मुताबिक कार्य नहीं मिलता है, लेकिन जिस रीति से हम लोग ज्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं वो है इस बात को जानना कि प्रभु ने हमें कहाँ बुलाया है, किसमें प्रभु ने हमें अभिषेक दिया है और किन बातों को करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है और अभिषेक किया है। बाकी लोगों को उन कामों को करने दे जिसके लिए वह बुलाया गया है, परमेश्वर ने उसके लिए उनका अभिषेक किया है। इसमें ना तो आपको क्रोधित होने और नाराज होने की आवश्यकता है। अगर आप दाऊद के जीवन का अध्ययन करते हैं, दाऊद मेरा ये मानना है कि उसने अपना बाकी जीवन पैसे कमाने में बिताया, लेकिन फिर जब सुलेमान आया, सुलेमान को मेहनत और पसीना नहीं बहाना पड़ा ताकि पैसा कमाए और मंदिर बनाए, उसके पास पहले से ही था। और दाऊद ने उस मंदिर को बनाने के लिए करोड़ों डॉलर को उसे दिया, अगर आज की तारीख में देखा जाए तो। जो थोड़ी आर्थिक संपन्नता को लेकर जूझ रहे हैं उनका हाल स्वर्ग में जाने के पश्चात में ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ ये तुलना के बाहर है। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमारी जरूरत अपने धन की उस महिमा के अनुसार पूरा करता है। प्रभु का धन्यवाद हो, मुझे आर्थिक संपन्नता के साथ में जूझने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो इसका आनंद उठाता हूँ इसी जीवन में। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें बहुताय से दिया, कि अच्छी बात नहीं। लेकिन देखिए, प्रभु ने इस प्रतिज्ञा को दाऊद के साथ किया और फिर इसलिए दाऊद ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ में काम करूंगा और मैं तुम्हारे साथ, प्रभु का धन्यवाद हो, मैं इसी प्रकार से इसका हिस्सा हूँ। जिस बात के लिए उसने मुझे बुलाया मैं उसे कर रहा हूँ। कुछ सालों के पश्चात में दाऊद ने बड़ी गलती को किया जो कि लिखा गया 2 सैमुएल 11वें अध्याय में। उसने व्यभिचार किया, हत्या की, जिसको उसने छुपाना चाहा। परंतु इसे करने के पश्चात में क्या परमेश्वर ने उसके साथ में प्रतिज्ञा तोड़ दिया? क्या परमेश्वर अपने शब्दों से पलट गया? और हालांकि दाऊद ने जाकर उस व्यभिचार को भी कर लिया था, दाऊद ने हत्या की और उसे छुपाने की कोशिश भी की, परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा, न ही उसने अपने शब्दों से मुंह फेर लिया, क्योंकि वाचा के प्रदर्शन के ऊपर में आधारित नहीं है। वाचा तो आधारित है परमेश्वर और उसके वचन पर। यह हमारी कल्पना नहीं है लेकिन परमेश्वर की है। दरअसल मैं पढ़ रहा था इब्रानी 11 अध्याय को कई सालों पहले, और मैंने वहाँ पर दाऊद को विश्वास के कक्ष में देखा और मैंने सोचा कि ये तो गलत है। दाऊद के ऐसा करने के पश्चात में भी दाऊद विश्वास के कक्ष में कैसा है? जानते हैं, मुझे यूसुफ के समान लोग पसंद है जो परमेश्वर के लिए शुरू से लेकर अंत तक जीते हैं और उनके जीवन में आप कुछ बुरा नहीं पाते। मुझे तो दानियल के समान लोग और शमूएल के समान लोग पसंद है। उन्होंने अच्छा जीवन जिया और परमेश्वर की उन्होंने सेवा की। उन्होंने कभी भी किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया, ना ही कभी गलत दिशा की ओर वो गए। लेकिन यहाँ पर दाऊद तो उस विश्वास के कक्ष में है, वो वहाँ पर कैसे पहुँच गया? और मैं इसके विषय में सोच रहा था और मैं इसके विषय में मनन कर रहा था और मैं जॉगिंग कर रहा था और सप्ताह के 6 दिन में जॉगिंग कर रहा था। और जॉगिंग करते करते मैंने मनन किया और परमेश्वर ने मुझसे बात की। उन्होंने मुझे पूछा कि दाऊद का सबसे बड़ा विश्वास का कार्य कौन सा था। मैंने कहा मुझे नहीं पता।
उन्होंने कहा कि दाऊद का सबसे बड़ा विश्वास का कार्य ये था कि मेरे साथ वो फिर से व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए लौट कर आया जब वो टूट चुका था। व्यक्तिगत असफलताओं पर जय पाने के लिए, अपनी व्यक्तिगत समस्याओं पर जय पाने के लिए और मेरे साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए फिर से मेरे पास लौट कर आना, यही तो उसके सबसे बड़े विश्वास का कार्य था। लेकिन परमेश्वर की दाऊद के साथ की प्रतिज्ञा की पूर्णता कौन है? आप इस बात को पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में, जो कि बाइबल का अंतिम अध्याय है। और यीशु जो कि यहूदा के वंश का वो सिंह, परमेश्वर का वो मेमना, और वही एकमात्र है जिसके पास में दाऊद की कुंजिया है, और वो राजी हुआ, और वो राजी हुआ सिंहासन पर बैठने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह दाऊद के प्रभु की वाचा के साथ का पूर्णता है। यीशु ही दाऊद का वो बीज है। देखिए, जब प्रभु वचन देता है वो उसके मुंह से निकलता है और फिर वो अनंत काल में जाता है और उस अनंत काल में फिर परमेश्वर के वचन फलों को उत्पन्न करते हैं। प्रभु के वचन असफल नहीं होते। मैं अपनी वाचा को नहीं तोड़ूंगा, न ही मेरे मुंह से निकले किसी वचन में जोड़ तोड़ होती है। अगर मैंने आपके साथ में कोई वचन दिया है तो मैंने आपके साथ में वाचा बांधी है और मैं अपने वचनों से कभी भी नहीं हटूंगा। जब मैंने कहा कि मैं वो प्रभु जो तुम्हें चंगा करता हूँ, इसका अर्थ है कि मैं ही वो प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता है। अगर मैंने इस बात को कहा कि तुम यीशु के कूड़े खाने से चंगे हो चुके हो, तो इसका मतलब है कि तुम यीशु के कूड़े खाने से चंगे हो चुके हो। जब मैं इस बात को कहता हूँ कि मैं यहोवा ईरे हूँ जो तुम्हारा पूर्ति करने वाला परमेश्वर है, इसका अर्थ यह है कि मैं यहोवा ईरे हूँ, मैं तुम्हारा उपाय करने वाला परमेश्वर हूँ। जब मैंने इस बात को कहा है कि मैं तुम्हारी हर एक जरूरतों को अपनी धन की महिमा के अनुसार मैं पूरी करूंगा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, इसका अर्थ यही है कि मैं तुम्हारी हर एक जरूरतों को अपनी धन की महिमा के अनुसार पूरा करूंगा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जब मैं ये कहता हूँ कि मेरे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, तो मेरा मतलब यही है कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और तू भला चंगा रहे। और जब मैं ये कहता हूँ कि मैं अपनी शांति को तुम्हें दिए जाता हूँ और मैं तुम्हें शांति को देता हूँ, तुम घबराना नहीं और ना ही तुम संसार के समान होना, इसका मतलब यही है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। देखिए, परमेश्वर कभी भी अपने वचनों से नहीं पलटता है, ना ही वो अपने शब्दों से कभी पीछे हटता है। उसके वचन आपके ऊपर में कोई शर्त नहीं लादते हैं और ना ही कभी आपके प्रदर्शन के आधार पर वो कार्य करता है। उसके वचन आधारित होते हैं सिर्फ और सिर्फ यीशु पर। यीशु के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और जब आप मसीह के पास में आते हैं, आप परमेश्वर के हर एक प्रतिज्ञाओं के हकदार हो जाते हो। उसमें परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में है और उसी में सब आमीन है। प्रभु को महिमा मिलने पाए हमारे द्वारा। परमेश्वर का हर एक वचन सत्य है, परमेश्वर का हर एक वचन शुद्ध है। ये कोई मिश्रित या फिर मिलावटी नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। हमारे पास में सर्व सामर्थ्य परमेश्वर के सर्व सामर्थ्य वचन है। हमारे पास में कभी न बदलने वाले परमेश्वर के न बदलने वाले वचन है। हमारी परमेश्वर के साथ में एक वाचा बंधी हुई और यही बात सब बातों को बदलती है। हमारे परमेश्वर के साथ में एक वाचा है और हम लोग संसार के आर्थिक व्यवस्था से नहीं चलते हैं, ना ही हम इस संसार के तंत्र में पाए जाते हैं। हम लोग तो चलाए जाते हैं सर्व सामर्थ्य परमेश्वर के उस तंत्र से और सर्व सामर्थ्य परमेश्वर की आर्थिक व्यवस्था से। मैं आशीषित हूँ और श्रापित नहीं, मैं मसीह में हूँ इस कारण मैं आशीषित हूँ और श्रापित नहीं, क्योंकि मैंने अपने विश्वास को यीशु पर रखा है, क्योंकि मैंने अपनी हिम्मत को सिर्फ यीशु पर ही रखा है। अब मैं अपने आप पर भरोसा नहीं करता हूँ, ना ही मैं अपने प्रदर्शन पर भरोसा करता हूँ और ना ही अच्छे कामों पर मैं भरोसा करता हूँ। मैं अपनी मानसिकता और मैं अपनी बुद्धिमत्ता पर भरोसा नहीं करता हूँ, मैं यीशु पर भरोसा करता हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, मेरे अंदर में कुछ भरा हुआ है, मेरे अंदर में पवित्र आत्मा है। अगर आप पवित्र आत्मा की सुनते हैं, ये तो दूसरा संदेश है। वो आपको एक बुद्धिमत्ता स्त्री बनाता है, वो आपको एक बुद्धिमान पुरुष बनाता है जब आप पवित्र आत्मा की सुनते हो तो। प्रभु की स्तुति। संसार में हमारे आसपास में क्या चल रहा है, इस बात से हम लोग बंधे हुए नहीं है। हो सकता है आर्थिक व्यवस्था के गिरने के कारण हुआ, मैं एक गवाही दे रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग इसे जानते हैं। हो सकता है आर्थिक मंदी के कारण हुआ हो। मैं और मेरी पत्नी पिछले 4 सालों से एक बात को खोज रहे थे, शायद आप जानते ही होंगे। हम लोग नए घर में जाना चाहते थे, एक अलग घर में, और इसलिए हमने भिन्न भिन्न घरों को खोजा और भिन्न भिन्न घरों को देखा, लेकिन हमें नहीं मिला और इत्यादि इत्यादि। और करीबन 1 महीने पहले हम लोग गए और एक घर पर अच्छी ऑफर मिली, और कुछ सप्ताह पहले ही ये आरंभ हुआ था। कुछ ही समय से हम उनको जानते थे और हमने एक घर को लिया जिसे हमने खरीदा था। करीबन हमने इस घर को टैक्स की कीमत से करीबन $2,500 कम कीमत में खरीदा, और सुधारने के लिए करीबन जो हमने सोचा था उससे करीबन 1,80,000 की ज्यादा राशि लगी, और हमने इसे मंगलवार को ही बंद कर दिया। और आपको पता है हमने अपने घर को नहीं बेचा था। जब हमने उस घर को खरीदा तो उस घर के सामने एक चिन्ह लगाया, मालिक घर को बेच रहा है। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और जिस घर को हमने खरीदा था मंगलवार को बंद किया, और जिस घर को हम लोग बेच रहे थे उसके लिए हमने बुधवार को कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और जिस घर को हमने बेचने के लिए निकाला था करीबन $70,000 का, इसका जो टैक्स वैल्यू था उससे करीबन $76,000 से भी ज़्यादा।
रास्ते के किनारे का घर हाल ही में किसी ने करीबन $52,000 कम में बेचा था और मेरे लिए जो मिलने वाला था, और उन्हें रियल्टर लगा और इस बात को करने के लिए 1 साल लग गया। हमें रियल्टर की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए $20,000 कमीशन के रूप में नहीं देने पड़े। प्रभु की स्तुति, हमने लिखा मालिक ही बेच रहा है और हमने उसे 9 दिन में ही बेच दिया। जानते हैं, जब मैंने नया घर खरीदा, मैं रात के मध्य पहर में अपने सोफे पर बैठा था और प्रार्थना की और मैंने प्रार्थना की और मैंने प्रार्थना में ये कहा कि प्रभु, मैं इससे भी वाजिब दाम में चाहता हूँ। जिस घर को मैं बेचने वाला था, उस घर पर मुझे $2,000 ज्यादा मिले जिस घर को मैं खरीदने वाला था, और इन दोनों के बीच में करीबन $3,000 का फर्क था उसकी टैक्स वैल्यू में। जानते हैं, यही तो एक चमत्कार था। हम इस संसार की अर्थव्यवस्था से नहीं चलते, हम लोग तो राज्य की अर्थव्यवस्था से चलते हैं। हम लोग तो परमेश्वर के जन है, हम पर परमेश्वर का अनुग्रह है, हम पर परमेश्वर का अनुग्रह है, हम पर मनुष्य का अनुग्रह है, हमारी अच्छी तालमेल है, हमारी परमेश्वर के साथ में वाचा है, और यही बात हमें अलग करती है। हम लोग तो परमेश्वर की एक विशेष संतान है। मैं तो इस बात को नहीं कर सकता था, लेकिन साल के आरंभ में पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि तुम इस साल में गाय के झुंड को मत खरीदना, गाय मत खरीदना, और मेरे पास में पैसा नहीं था खरीदने के लिए, और इसे के लिए बैंक मुझे लोन नहीं देती, लेकिन पवित्र आत्मा ने जो कहा मैंने वो किया। मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर क्या करने वाला है, और उस समय मुझे लग रहा था कि ये बात सही नहीं करने में। और जानते हैं, आपको पवित्र आत्मा की बात मानना पड़ता है, और जब आप पवित्र आत्मा की बात मानते हैं, अंत में पवित्र आत्मा सब बातों को सुंदर बना देती है। तो निरंतर पवित्र आत्मा की ही सुनते रहे। देखिए, परमेश्वर भला है, कभी भी इस बात को ना भूले कि परमेश्वर हमारे साथ है। हम लोग तो जय की ओर है, हम लोग तो सिर है पूछ नहीं, हम लोग तो ऊपर है नीचे नहीं, हम लोग तो आशीषित है, हम लोग तो श्रापित नहीं है, हम लोग तो सर्व सामर्थ्य परमेश्वर की संतान है। हमारा बोलना, हमारा कार्य करना, हमारा जीना सब कुछ अलग है। हमारे जीवन में हमेशा अलग बातें होनी चाहिए। जो कुछ भी संसार में घट रहा है उससे हमारे ऊपर में कोई असर नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी परमेश्वर के राज्य में हो रहा है उसका प्रभाव हम पर होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो कि 2000 साल पहले कुछ तो भी ऐसी अलग बात हुई जिसके द्वारा जो जीवन हम लोग जीते हैं ये पूरी रीति से बदल गया है। ये तो यीशु का मारा जाना, गाड़ा जाना, पुनरुत्थान है। प्रभु की स्तुति हो। तो परमेश्वर की इज़राइल के साथ में वाचा की विषय में बात की। प्रभु अपने वचन को पूरा करता है। आप कहोगे कि इतना महत्वपूर्ण क्यों है पास्टर, क्योंकि अगर परमेश्वर इज़राइल के साथ में अपनी वाचा पूरी नहीं करता तो वो कौन सी बात है जो आपके साथ में पूरी करे। हमने बात की थी परमेश्वर की दाऊद के साथ में वाचा के विषय। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? अगर ये हमारे प्रदर्शन या हम पर आधारित होती है तो कभी भी पूर्ण नहीं की जाती। देखिए, वाचा दाऊद या उसके प्रदर्शन पर आधारित नहीं थी, ये तो आधारित थी यीशु और उसके प्रदर्शन पर। ये तो परमेश्वर उसके वचन पर आधारित थी। मैं थोड़ा बहुत इसके ऊपर मैं देखना चाहता हूँ और इसके विषय में बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर की जो वाचा है उसके विषय, दिन और रात के विषय में। और मैंने पहले इस बात को बताया था उत्पत्ति के 8:22 में, जो ये कहता है कि जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, जब तक ये पृथ्वी बनी रहेगी, जब तक ये पृथ्वी हमारे पैरों के तले बनी रहेगी। कितने लोगों को ये पता है कि स्वर्ग परमेश्वर का है और पृथ्वी उसकी संतानों की है? जब तक ये पृथ्वी बनी रहेगी और उसमें बना रहेगा, बोने का समय, काटने का समय, गर्मी और ठंडी, ग्रीष्म और वसंत, रात और दिन, वे नहीं थमेंगे। देखिए, वैज्ञानिक लोग कहते हैं अब हमें पता चला कि ये सब जीवित है। वैज्ञानिक संसार तो सरकार पर आधारित था, उनसे पैसे पाने की आशा थी ताकि अजीब कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। उन्होंने कहा कि वो ओजोन की लेयर में एक बड़ा छेद करने वाले अपने एक बड़े हथियार के द्वारा, ताकि इस पृथ्वी को उचित मात्रा में धूप मिल सके जो उनको मिलनी चाहिए थी। कितने लोगों को पता है कि ये तो बिल्कुल झूठ है, वो तो पेड़ से चिपकने वाला झूठ है। मुझे पेड़ पसंद है, मैं उन्हें बढ़ाता हूँ, मैं उन्हें पानी डालता हूँ, लेकिन ये तो पूरा पूरा झूठ है, ये तो सीधा सीधा एक झूठ है। कोई भी अगर आपके पास में आकर कहता है कि परमेश्वर का वचन सत्य नहीं है तो वो एक झूठा है। हम लोग तो ग्लोबल वार्मिंग में नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग तो एक झूठ है। ये तो कुछ लोगों के झुंड के द्वारा बेतुकी बात को बताया गया है और ये झुंड सरकार से पैसे की उगाही करना चाहता है। जब तक ये पृथ्वी बने रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ग्रीष्मकाल और वसंत ऋतु, ठंड और गर्म, ग्रीष्म और वसंत ऋतु, ठंड और गर्म, और दिन और रात, ये तो बने रहेंगे। परमेश्वर ने इस पृथ्वी से वाचा बांधी है और इस वाचा को वो पूरी करेगा। Matthew 24:35 में यीशु इस प्रकार से कहता है, वो ये कहता है कि आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी परंतु मेरे वचन हमेशा बने रहेंगे। हमें पत्रस बताता है कि क्या होगा, ऐसे भी दिन आएंगे इस संसार के पाप के कारण परमेश्वर की आग वहाँ पर उतर आएगी और इस पूरे संसार को वो नष्ट कर देगी। उसके पश्चात में हम लोग एक नई पृथ्वी और नए स्वर्ग की ओर जाएंगे जहाँ पर धार्मिकता निवास करेगी और सदाकाल के लिए हम लोग वहाँ पर रहेंगे हमारे राजा यीशु मसीह के उपस्थिति में। प्रभु का धन्यवाद, वो अपने लोगों की सुधि लेता है। परमेश्वर ने पृथ्वी से वाचा बांधी है। दूसरा पत्रस 3:3, आइए हम इस बात को वहीं पर जाकर देखते हैं। दूसरा पत्रस 3:5 को देखें।
ध्यान दे वो क्या कहता है, वे तो जानबूझकर यह बात को भूल गए कि परमेश्वर के वचन से आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी जल में से बनी और वह जल में ही स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। अगर उत्पत्ति की किताब में आप अध्ययन करते हैं और अगर आप देखते हैं उत्पत्ति की किताब को, जब यह हुआ वहाँ पृथ्वी थी, जल था, वहाँ पर पृथ्वी थी, जल था। जब परमेश्वर ने इस बात को देखा तो उसने कहा कि सब बातें एक साथ आ जाए और जो बात सुखी रहेंगी उसे हम लोग जगत कहेंगे और जो जल है वो भी इकट्ठा हो जाए ताकि हम उसे समुद्र कह सकें। तो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की अपने वचन से। अब ध्यान दीजिए कि वो वचन साथ में क्या कहता है, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए कि जलाए जाए और ये भक्ति मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। वो कहना चाहता है कि उसने आकाश और पृथ्वी की रचना अपने वचन के द्वारा की और उसी के द्वारा वो उसे बना के भी रखेगा। यह परमेश्वर का वचन ही है जो सब बातों को एक साथ संभाले रखता है। यह परमेश्वर का वचन ही है जो सब बातों को चला के रखता है। धन्यवाद हो, ये किसी मनुष्य पर आधारित नहीं है। कोई भी इसे परमाणु बम के द्वारा नहीं उड़ा सकता है। परमेश्वर इसे नष्ट करेगा। परमेश्वर ने इसे बनाया है, वही नष्ट करेगा। उसने शुरू किया है, वही इसका अंत करेगा। इब्रानियों पहला अध्याय उसका तीसरा वचन ये कहता है कि वह सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन के अनुसार संभालता है। तो जब हम लोग उस दिन और रात के वाचा की ओर देखते हैं, कौन है वो जो परमेश्वर की वाचा को दिन और रात में पूरा करता है? यीशु ही है वो जो परमेश्वर की वाचा को दिन और रात में पूरी करता है। यीशु ही है जो परमेश्वर के मनुष्य के साथ में बांधी हुई वाचा को पूरी करता है। जब हम इस बात को देखते हैं तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि बाइबल मनुष्य के साथ में की गई परमेश्वर की वाचा है। मैं अपनी वाचा को नहीं तोड़ूंगा और जो बातें मेरे मुंह से निकलती उसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं करूंगा। वो वैधता, वो अधिकार और वो ईमानदारी प्रभु के वचन की। जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु प्रतिनिधित्व करता है परमेश्वर के मनुष्य के साथ की गई वाचा का। ये आधारित है सिर्फ यीशु पर, बिल्कुल 100%। और जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं आप फिर बन जाते हैं उसके लाभार्थी और आप बन जाते हैं उसके ग्रहण योग्य सारे परमेश्वर के आशीषों के और सारे परमेश्वर के उन प्रतिज्ञाओं के, परमेश्वर के सारी भली बातों के भी। वो सब बात एक तोहफे में बांधी गई है जिसे हम कहते हैं यीशु। और जब आप यीशु को पाते हैं, सफलता पाने के लिए आपको जो चाहिए वो सब कुछ है। जय पाने के लिए जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब आपके पास है। और आपको सिर्फ यही करना है कि आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। बाइबल इस बात को कहती है, जो भी परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय पाता है। और यही बात है जो संसार पर जय पाती है, हमारा विश्वास। वो कौन है जो इस संसार में जय पाता है? वही है जो विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जब आपने नया जन्म पाया, परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञा आपकी है, आपको संसार पर विजेता बनाया गया, आपके पास में सब कुछ है। आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन पर निरंतर भरोसा करना है ताकि आप उसकी प्रतिज्ञा को अपने जीवन में प्रकट होते हुए जानते हुए उत्पन्न होने पाए। आज के लिए प्रभु का धन्यवाद हो, वचन के लिए धन्यवाद हो। धन्यवाद हो हमारी परमेश्वर के साथ में वाचा है। धन्यवाद हो हमारे पास में बाइबल है। सभी लोग ये कहे, ये मेरी बाइबल है, मैं हूँ जो ये कहते कि मैं हूँ, मेरे पास है जो ये कहते कि मेरे पास है, और मैं कर सकता हूँ जो ये कहते कि मैं कर सकता हूँ। यही है मेरी बाइबल। परमेश्वर है जो वो कहता है कि वो है। परमेश्वर करेगा जो वो कहता है कि करेगा। हर समय प्रभु को धन्यवाद दो सत्य के वचन के लिए जो सदा के लिए बना रहता है। प्रभु का धन्यवाद, ये परमेश्वर की मेरे साथ में वाचा है। यह स्वर से मेरे लिए एक वाचा है, यह परमेश्वर से मेरे लिए एक वाचा है, मेरे लिए ये खात्री है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। धन्यवाद हो मेरे पास में अधिकार है उन हर एक प्रतिज्ञाओं के लिए, उन सारी प्रतिज्ञाओं के लिए, उन हर एक समस्याओं का जिसका मैं सामना करता हूँ उसके लिए एक प्रतिज्ञा है। धन्यवाद हो मेरे पास में वचन है और वचन ने मेरे जीवन को भलाई के लिए बदल दिया है।